कल एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग किए थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो है आपका क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन आपका एक्स प्लस 1/x टू द पावर एक्स प्लस एक्स होल टू द पावर 1 + 1/x, इस फंक्शन का क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि सम ऑफ टू फंक्शन है, दो फंक्शन है। ठीक है, तो हम इसको पूरे फंक्शन को आप ऑलरेडी देख ही रहे, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है उसको हम क्या करते हैं, वाई मान लेते हैं। तो लेट वाई इज इक्वल टू दिस फंक्शन। अब यहाँ पे दो फंक्शन का सम है, तो हमने इस पहले वाले फंक्शन को क्या मान लिया, वाई वन मान लिया, और दूसरे वाले फंक्शन को क्या मान लिया, वाई टू, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में किया था। ठीक है, तो आपका जो ओरिजिनल प्रॉब्लम आ गया वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। अब हमें चाहिए क्या, इस फंक्शन का क्या डी वाई बाई डी एक्स होती चाहिए। हमने क्या किया, इसको डी डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे वाई था तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे वाई वन का डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा, डी वाई वन बाई डी एक्स प्लस वाई टू का करना है तो डी वाई टू बाई डी एक्स। ठीक है, अब जिसको आपने वाई वन एज्यूम किया है इसको हमने फिर मान लिया कि लेट वाई इक्वल्स टू दिस, इसको क्या करेंगे, हमने बताया था कोई भी फंक्शन का पावर दिया हुआ है तो वी ऑलवेज वी टेक अ लाग, टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड देन यू विल गेट लाग वाई वन। ठीक है, यहाँ पे ये होगा लाग वाई वन इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अब हमने कल ही बताया था कि लाग एम टू पावर एन क्या होता है, एन लाग एम होता है, क्या होता है, एन लाग एम। ये फार्मूलों को हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे एन क्या है, एक्स है, एन लाग एम, एम दिस इज एम। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्स लाग एक्स प्लस 1/x, ये बात समझ, हमने इसको एन समझा और इस पोर्शन को क्या माना, एम। तो लाग एम टू पावर एन क्या होगा, एन लाग एम, एन मीन्स आपका एक्स, एम मीन्स लाग एक्स प्लस 1/x। ठीक है, उसके बाद इस फंक्शन को क्या किया, हमने डिफ्रेंशिएट किया है ना, तो इसको लाग वाई वन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/, तो जो ये फंक्शन है एक्स इंटू लाग एक्स प्लस 1/x, इसको क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन यू विल गेट, यहाँ पे एक्चुअली है क्या, लाग वाई वन है, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा 1/y1, वाई वन का फिर से करेंगे बिकॉज ऑफ वाई वन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो डी वाई वन बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे दो फंक्शन है, ठीक है, एक एक्स है, दूसरा क्या है, लाग एक्स प्लस 1/x। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ एफ वन इंटू एफ टू एक्स का। ठीक है, दिस इज योर एफ टू एक्स, तो यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो एक बार क्या करते हैं, हम लोग पहले वाले फंक्शन को बाहर करते हैं, दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/x प्लस, अब क्या करते हैं, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर उसको बाहर करते हैं एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, फिर जिसका डिफरेंशिएट नहीं हुआ उसका फिर से करते हैं, यानी डी एक्स बाई डी एक्स दैट इज़ 1। तो ये एक्स आपका एस सच आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग एक्स प्लस 1/x का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा। अब देखिए, हमने आपका जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया, डी बाई लाग ऑफ एक्स का क्या होता है, 1/x, यहाँ पे लाग ऑफ एक्स नहीं है बल्कि क्या है, लाग ऑफ एक्स प्लस 1/x, इस पूरे होल पोर्शन को क्या एज ए माइंड में एक्स ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो लाग एक्स हो जाएगा, लाग एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/x होता है, एक्स के प्लेस पे क्या करेंगे, एक्स प्लस 1/x, यानी 1/x + 1/x, फिर जिसको आप एक्स मानते हो उसका डिफरेंशिएशन आप फिर से करते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1/x। ठीक है, ये तो आपका एस सच आएगा, और डी एक्स बाई डी एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन, दिस इज 1। ठीक, फिर अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब यहाँ पे डी वाई वन बाई डी एक्स, वाई वन को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो एक्स अपान क्या है, एक्स प्लस 1/x है, अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जब इसका करेंगे डी एक्स बाई 1/x का, इसका क्या होता है, 1 - 1/x2। कैसे, यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स अपान एफ टू एक्स वाला लगाएंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा न्यूमरेटर यहाँ पे एफ टू एक्स का होल स्क्वायर होता है, तो एक्स है इसलिए एक्स स्क्वायर, इसको आप लोग खुद पे रफ पे करिएगा, मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया, आप अलग रफ में जो है एफ वन अपान एफ टू का फॉर्मूला लगा के डी वाई डी एक्स ऑफ 1/x का डिफरेंशिएशन निकालिएगा, आपको यही मिलेगा माइनस ऑफ 1/x2। ठीक है, ये प्लस लाग ऑफ एक्स प्लस 1/x, ये तो आपका ऐसा चाहेगा, उसका सिंपल है, इसके बाद कैलकुलेट कर दीजिए, थोड़ा इसका सिंप्लीफिकेशन करिएगा, तो और वाई वन की वैल्यू है क्या, वाई वन की वैल्यू है एक्स प्लस 1/x2 - x, वाई वन की प्लेस पे इसकी वैल्यू रख दिया और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो आएगा वही इसको लिख दिए। फिर अभी तो एक वाई वन है, अभी वाई टू वाला भी तो है, वाई टू को हमने क्या माना है, y2 = x + 1/x। अब वाई टू जो है इसको फिर से क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस लाग लेंगे, क्योंकि पावर की बात है, यानी कोई फंक्शन है एक्स, उसके ऊपर पावर है एक्स प्लस 1/x,
अब क्या करेंगे, फिर वही पावर है तो लाग लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ लाग लेंगे तो क्या लेंगे, लाग बाई टू, यहाँ पे लाग एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एक्स, फिर वही बात आ गई, लाग एम टू पावर एन क्या होता है, एन लाग एम, क्या होता है एन लाग एन, मीन्स आपका ये है यहाँ पे, ठीक है, तो वन प्लस वन बाई एक्स हुआ, एम के प्लेस पे क्या एक्स है तो लाग एक्स हो गया, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लाग वाई टू क्या होगा, वन पॉइंट वाई टू वाई, फिर इसका वाई टू का फिर से करेंगे तो डी वाई टू बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे फिर दो फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन की बात आ गई, तो क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, तो पहला फंक्शन को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया, बाहर लिखा वन प्लस वन बाई एक्स, फिर सेकेंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया डी बाई डी एक्स ऑफ लाग एक्स प्लस लाग एक्स, इसको बाहर किया और पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। तो यहाँ पे आया आपका वन प्लस वन बाई एक्स, लाग ऑफ एक्स का डिफरेंस क्या होता है वन बाई एक्स प्लस लाग ऑफ एक्स, वो आपका ऐसा चाहिए, और यहाँ पे फिर डी वाई डी एक्स ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स करेंगे, तो डी यहाँ पे वन एक्चुअली है तो इसका कांस्टेंट का जीरो हो जाता है, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स, तो अभी एक बार यहाँ पे आपने कर लिया डी वाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स क्या होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, बार बार करने की जो इसको आप डायरेक्टली यूज़ करके लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आ गया माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, फिर वही सिंपल कैलकुलेशन है, वन बाई एक्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो वन बाई एक्स आया, प्लस वन बाई एक्स में वन बाई एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वन अपान एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर लाग ऑफ एक्स, ठीक है। इस वाई टू को हमने इधर राइट साइड में सेंड किया, फिर वाई टू की जो वैल्यू है, वाई टू की वैल्यू क्या है, वाई टू की वैल्यू ये है, तो आगे हम क्या करेंगे, वाई टू के प्लेस पे वन प्लस वन बाई एक्स रख देंगे और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके बाद अब देखिए ये डी वाई टू बाई डी एक्स की वैल्यू आई और डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू है आपकी ये पूरी, ठीक है। इस डी वाई वन बाई एक्स डी एक्स और डी वाई टू बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, आप यहाँ पे रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि आपको चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स ही तो चाहिए, यहाँ पे डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे प्लस डी वाई टू बाई डी वाई टू बाई डी एक्स की वैल्यू, दोनों वैल्यू रखेंगे तो जो है वही आपका जो है इसका इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लॉन्ग में है तो थोड़ा सा टाइम लगा। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें, सेवन में कह रहा है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन ऑफ लाग एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर लाग, फिर यहाँ पे भी यानी सम ऑफ टू फंक्शन की बात आ गई है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे, वाई वन मानेंगे, वाई वन इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, और इसको क्या मानेंगे, वाई टू, वाई टू को क्या कहेंगे, एक्स टू द पावर लाग एक्स, ठीक है। फिर वही प्रोसेस में जो है ये क्या है, लाग एक्स टू पावर एक्स है, पावर में है फंक्शन, तो क्या करेंगे, टेकिंग लाग, लाग लिया जाएगा, ठीक है। लाग लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आएगा लाग वाई वन आएगा और यहाँ पे आएगा लाग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, तो फिर वही केस लाग एम टू पावर एन, तो क्या हो जाएगा, एक्स लाग लाग ऑफ एक्स, ध्यान रखिए यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, ये लाग क्या है, वाई वन, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लाग लेंगे तो आएगा लाग वाई टू आएगा और यहाँ पे एक्स टू द पावर लाग एक्स है, यानी लाग ऑफ एक्स लाग ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी एक्चुअली लॉग एक्स है, तो यहाँ पे आएगा लाग एक्स इंटू लाग एक्स, यही तो होगा, लॉग एम टू पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए ये लॉग ए एम हुआ और ये एन हुआ, लॉग एक्स एन हुआ, तो ये एन लॉग एम होता है, एन क्या है, लॉग एक्स हो जाएगा और एम क्या है, लॉग एक्स, ठीक है, लॉग वाई टू। फिर डिफरेंशिएट किया जाए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका हो जाएगा वन अपान वाई वन डी वाई वन बाई डी एक्स, यहाँ पे फिर वही प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ये फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, एक्स को बाहर करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, प्लस इसको बाहर करेंगे लॉग लॉग ऑफ एक्स डी बाय डी एक्स एक्स, ठीक है, इसको करेंगे क्या आएगा, फिर लॉग एक्स हुआ है ना, अब यहाँ पे लॉग लॉग एक्स है तो क्या करेंगे, अब हमने फार्मूला बताया था लॉग ऑफ एक्स का, तो इसको ये जो लॉग एक्स, इसको पूरे को एज ए ट्रीट क्या करेंगे, एज ए एक्स, तो लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंस क्या होता है वन बाई एक्स, एक्स के प्लेस पे रखेंगे क्या लॉग ऑफ एक्स, फिर जिसको आप एक्स मानते हो उसका डिफरेंस फिर से करते हो डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स का क्या होता है वन होता है, इसको आप लिखे हुए डी वाई वन बाई डी एक्स वन अपान वाई वन, तब वही सेम चीज़ें हैं डी वाई वन बाई डी एक्स, अब यहाँ पे वाई वन की वैल्यू रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा जो आएगा वही आपका डी वाई वन बाई डी एक्स, अभी वाई टू वाला बचा हुआ है, वाई टू वाला इसका डिफरेंशिएशन करेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिलेगा वन अपान वाई टू डी वाई टू बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे दो फंक्शन है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लॉग एक्स, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो, यानी लॉग एक्स टू द पावर होल टू द पावर टू, ठीक है, दो बार है तो दो लिख दीजिएगा, ठीक है, इसको आप ऐसा मत देखिए लॉग स्क्वायर है, ऐसा कुछ नहीं, ये लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स है तो लॉग एक्स टू द पावर टू हो जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स टू पावर एन टाइप का हुआ ना,
ये फंक्शन आपका एक्सपोनेंट टाइप हुआ तो कौन सा फॉर्मूला लगा, एक्स टू पावर एन डी बाई डी एक्स था, एक्स टू पावर एन क्या हो जाएगा, एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, एन के प्लेस पे क्या है टू है ना, फिर लाग एक्स टू पावर टू माइनस वन वन हो जाएगा, जिसको आप एक्स मानते हो उसको डिफरेंस फिर से करते हो, एक्स को माना लाग एक्स को, तो यहाँ से आएगा टू लाग एक्स का फिर से करोगे क्या आएगा वन अपान एक्स, ये क्या मिल गया वन अपान वाई टू डी वाई टू बाई डी एक्स, हमें अब चाहिए क्या डी वाई टू बाई डी एक्स चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा वाई टू आएगा, वाई टू टू लाग एक्स अपान एक्स, ठीक है। अब वाई टू की वैल्यू क्या है, वाई टू की वैल्यू है एक्स लाग एक्स, ठीक है, इसके प्लेस पे रख दीजिए एक्स टू द पावर लाग एक्स, ये आपका टू लाग एक्स अपान एक्स रहेगा, ठीक है। ये तो आपका आ गया डी वाई टू बाई डी एक्स, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डी वाई वाई डी एक्स, ये है क्या डी वाई वन बाई डी एक्स प्लस डी वाई टू बाई डी एक्स, अब डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ से और डी वाई टू बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग करेंगे, थोड़ा सा फीडबैक कुछ कम ही बच्चों का मिल रहा है, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन करें, कहीं पर डाउट हो तो आप डायरेक्ट जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन को सेंड करके पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना, थैंक यू।